Cross-sectional area of wire is 5 into 10 to the power minus 6 meter square. Density of aluminum is 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Young's modulus of aluminum is 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square. A transverse wave of 100 meter per second is generated in the wire due to resulting strain del L by L developing the wire. The thermal strain del L by L is so, about the thermal strain. तो हम लोग को जो यंग्स जो ऐसे एल्यूमिनियम जो वायर है ये ऐसे क्लेम्थ है पहले इनिशियली और इनिशियली इसमें कोई स्ट्रेस है नहीं ठीक है पर जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो इसमें क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन होगा और इसके वजह से इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा और इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई जो यंग्स मॉडलर्स होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया जो टी फोर्स है वो टेंशन फोर्स है और स्ट्रेन होता है डेल एल बाय एल अभी देखो हम लोग को निकालना क्या है डेल एल बाय एल तो हम लोग इसको लिख लेते हैं डेल एल बाय एल इज इक्वल टू टी बाय वाई ए ठीक है L L अभी देखो अभी इसमें टी हम लोग को नेम मालूम है ठीक है इस क्वेश्चन में तो हम लोग टी कैसे निकालेंगे जो स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर स्वेफ जो स्पीड होता है ट्रांसफर स्वेफ का एक स्ट्रिंग में और या फिर एक वायर में उसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है वी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाय म्यू जहाँ पे म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी मतलब एम बाय एल अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके ऊपर में ए मल्टीप्लाई कर दिया नीचे में ए मल्टीप्लाई कर दिया तो एम ए बाय वी मिल गया तो एम बाय वी क्या है रो है रो इंटू ए तो हम लोग को म्यू मिलता है रो इंटू ए तो हम लोग लिख सकते हैं जो वेलोसिटी है स्टेंसिंग स्ट्रिंग उसको t बाय रो रूट ऑफर टी a रो ए तो हम लोग लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू जो टेंशन है स्ट्रिंग टेंशन है एलुमिनियम वायर में एलुमिनियम वहाँ एलुमिनियम वायर में जो टेंशन है वो हम लोग लिख सकते हैं रो ए फी स्क्वेयर अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ठीक है तो हम लोग को क्या मिलेगा डेल एल बाय एल इज इक्वल टू टेंशन क्या है रो ए वी स्क्वेयर बाय वाई ए तो ए ए कैंसिल चला गया तो डेल एल बाय एल इज इक्वल टू रो वी स्क्वेयर बाय वाई अब इसको कैलकुलेट करते आओ डेल एल बाय एल इज इक्वल टू रो जो है हम लोग का क्या दिया गया है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम टू पॉइंट सेवन इंटू टें टू दावर थ्री इंटू वी स्क्र वी हम लोग को दिया गया है जो वेलोसिटी हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो वी स्क्वेयर हो जाएगा टेन थाउजेंड मतलब टेन टू दी पावर फोर वाई जो यंग्स मॉडल्स हम लोग को दिया गया है सेवन इंटू टेन टू दिन पावर टेन तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टेन टू दावर माइनस थ्री क्योंकि सेवन आएगा और टेन टू डि ऊपर चला जाएगा टेन माइनस टेन माइनस थ्री ट्वेंटी सेवन बाई सेवन इंटू टेन टू वन ठीक है क्योंकि हम लोग यहाँ से एक डेसीम यहाँ पे लेके आ गया और तो ये टेन टू पावर माइनस वन हो गया और ट्वेंटी सेवन बाई सेवन आ गया सर ट्वेंटी सेवन बाई सेवन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है थ्री पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर तो हम लोग को मिला डेल एल बाय एल इज इक्वल टू थ्री पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू माइनस फोर तो ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर